अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ल है और आज हम जिस नावल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है चोकर बाली, यानी हिंदी में आँख की किरकिरी और इंग्लिश में अ ग्रेन ऑफ सैंड। ये 1903 में पब्लिश हुआ था, रिटन बाय द फेमस बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वैसे तो अपनी पोइट्री और राइटिंग की वजह से ही मशहूर हैं, जिस वजह से उनको नोबेल पीस अवार्ड मिला था, और इसी वजह से उनका ये सबसे फेमस नावल है जिसका नाम है चोकर बाली। अच्छा, चोकर बाली का वैसे तो मतलब अगर उर्दू में उसको ट्रांसलेट करें तो, या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें तो होगा समथिंग अनप्लेजेंट टू आई, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आँख में तकलीफ़ दे रही हो, ठीक है। तो ये चोकर बाली का मतलब है, ये एक बहुत ही मज़ेदार और ट्विस्ट टर्न्स के साथ नावल है। हाँ, लेंथ में थोड़ा सा भरा है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ ट्रूली हाईली एडिक्टिव, यानी आपने उसको पढ़ना शुरू किया तो रुक नहीं पाएंगे। मैंने तो ऑडियो बुक्स में की तरीके से उनको सुना और इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मैंने हिंदी में इसको सुना था जिसका नाम है आँख की किरकिरी। तो मेनली ये इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, विनोदनी, महेंद्र बाबू, बंगाली बाबू और आशालता। अब इनके साथ पूरी स्टोरी इन पे घूमते रहती है, कैसे बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं और फिर किस तरीके से आँख की किरकिरी हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो मैं इस नावल को ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा और सबको रिकमेंड करूँगा, और इसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला है कि भाई बाकी लिटरेचर्स भी हैं और दे आर सुपर इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस नावल की मज़ेदार बात यह है, ये इतना मशहूर है कि इसके ऊपर कई फिल्म्स बनी हुई हैं, जिनमें से एक आपकी फेवरेट ऐश्वर्या रॉय वाली भी है। उसके अलावा सेवरल टीवी सीरियल्स और इस तरीके से, मतलब आप इसको हर तरीके से जिस आर्ट फॉर्म में आपको पसंद है आपको मिल जाएगी। थिएटर्स भी होते हैं इस पर, सो आई वुड हाईली रिकमेंड इट। हाँ, उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता, मगर फॉर लिटरेचर पर्पस इट इज़ अ रियली ग्रेट नावल, और मैं आप सबको कहूँगा। अब आप लोगों ने भी एक्सप्लोर करना है डिफरेंट जॉनराज और लैंग्वेजेस में, मुझे आप रेकमेंड करें और लेट्स ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू एंड बी इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।